हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कृतिका शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स का थर्ड मॉड्यूल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के बाद आपके 2019 के जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। A premier institution for civil services. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट ने जो 2000 पंचायत्स को नेचुरल फार्मिंग के अंडर जो है ले आए हैं। सो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स हैं आपके नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है सुभाष पालेकर द्वारा, जो कि कर्नाटका से हैं। सो ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है सो आपको उसमें जीरो बजट, दैट मींस आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है इसे विदाउट केमिकल्स करेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट में जो है आपके फोर व्हील्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, जो कि बोलते हैं आपकी माइक्रोबियल कोटिंग होगी सीड्स की, या फिर फर्टिलाइजर्स की जगह आप काउ डंग यूज कर सकते हैं, पल्स फ्लोर जो है वो यूज कर सकते हैं। सो इसके अंदर साथ साथ में जो है एक और टॉपिक है वो है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में ये कब लॉन्च की गई, दैट इज 2018। इसके अंडर जो है अगर जो फार्मर है वो नेचुरल मींस यूज करने वाला है, उसके इनपुट्स जो है नेचुरल फार्मिंग से होंगे, सो उसे 75% सब्सिडी दी जाती है। ऑल्सो इसमें आपको 50,000 रुपीज जो है वो दिए जाते हैं इफ यू आर गोइंग टू ओपन कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का स्टोर इन अ विलेज। सो मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नोमैडिक एलिफेंट 2019 इंडो मंगोलियन जॉइंट एक्सरसाइज। सो अक्टूबर में इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई, एंड इसका जो है ये 14th एडिशन था। ये कहाँ पर हुई, ये बखलो विलेज जो कि है चंबा में, ये वहां पर हुई है। आपको ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है, बखलो विलेज ऑफ चंबा। सो इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हमारी जो बटालियन जिसने हमें रिप्रेजेंट किया है दैट इज इम्पोर्टेंट इज राजपुताना राइफल्स। सो जो ऐसी एक्सरसाइजेस रहती हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सो दैट इज कि जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उन्हें आपस में बांटें, और उनकी जो टेक्निक्स हैं उनके जो वेज हैं काउंटर टेररिज्म को या इंसर्जेंसीज को ऑपरेट करने के वो डिस्कस करें। इससे जो है आपका डिफेंस कोऑपरेशन होता है एंड मिलिट्री रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस जो है वो अच्छे होते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल लवी फेयर बींग ऑर्गेनाइज। सो आपको पता है नवम्बर मंथ में जो रामपुर है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, वहाँ पर लवी फेयर जो है उसका उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इट्स अ 4-day-long इंटरनेशनल फेयर, एंड ये जो है आपका 400 साल पुराना फेयर है। ये शुरू किया था राजा केहरी सिंह ऑफ रामपुर बुशहर ने टू प्रमोट ट्रेड विद तिब्बत। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर वहाँ पे किन्नौरी मार्केट जो है उसे इनॉग्रेट किया गया। सो यहाँ की जो एक और मेन जो आपकी अट्रैक्शन रहती है वो है चमूर्थी हॉर्सेस, वो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है तिब्बत की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। सो दैट्स अबाउट द लवी फेयर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 जो है कंडक्ट की गई। सो ये नवंबर में धर्मशाला में कंडक्ट की गई, इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है धर्मशाला में की गई। ऑल्सो इसका मेन मोटिव क्या है, सो इसका मोटिव है बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो यहाँ पर ये जो पॉलिसीज हैं कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं विच अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड विच विल हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट एंड जो बूस्ट करेगा आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सो यहाँ पे आप जैसे कि पढ़ सकते हैं यहाँ पे 8 सेक्टर को बूस्ट करने की बात की गई है। वन इज आपके एग्री बिजनेस है, अर्बन डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, सिविल एविएशन, आपके टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, आयुष, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे बूस्ट करने की बात की गई है। और इसमें जो एक और फैक्ट है आपको याद रखना है, इसकी एम्बेसडर जो है आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को बनाया गया है।
That's a like clear-cut fact. Yami Gautam is the investor of, no, she's the brand ambassador of Rising Himachal Global Investors Meet in 2019. So moving forward, next is HP gets rupees 4.32 crore ka jo project hai unhe skill development ka, wo biotechnology mein mila hai. So iska program ka naam hai Skill Vigyan Program in Biotechnology. Ye diya hai aapko HP Council of Himachal Technology, Science, Technology and Environment ne. So yahan pe actual mein hoga kya? So jo aapke plus 2 ke students hai, aapke graduates hai in biotechnology, unhe ek high quality hand on training in tools and techniques di jayegi. And Himachal Pradesh jo hai, wo 6th state hai aapke country mein jinhone is project ko implement kiya hai. So yahan pe aapko iska yaad rakhna hai, aapko scheme ka naam yaad rakhna hai, that is Skill Vigyan Program in Biotechnology. So our next topic is CM to launch special campaign against drug abuse. Jaise ki aapko yaad hoga, maine last module mein bataya tha, CM ne ek jo helpline hai wo bhi launch ki thi, that was 1908, jo ki against drug abuse thi. So ye jo ek campaign hai ye CM ne chalaya hai, iski jo nodal department hai wo aapka rehta hai social justice and empowerment department. So you have to keep it in mind, social justice and empowerment department. इसके अंदर जो है इन्होंने ये भी डिस्कस किया है दैट द रोल ऑफ फैमिली एंड पेरेंट्स जब उनका बच्चा जो है ड्रग अब्यूज की तरफ जाता है, सो उन्होंने उसे भी डिस्कस किया है. और नेक्स्ट प्री फैक्ट जो बनता है दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो नए बने हैं उनका नाम है जस्टिस लिंगप्पन नारायण स्वामी. सो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फैक्ट है ये कहाँ से है, ये कर्नाटका से है. एंड He is the 25th Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. So that is what we have for today. And with this, I would like to thank all of you. If you like my video, please like it. Also, hum January 2020 ke jo hain, aapke current affairs hain, unhe bhi jaldi cover karne wale hain. So keep in touch and thank you. Have a nice day.